हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विद विवेक आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का आरआरबी टीपीसी सीबीटी 1 2021 के फेज थर्ड के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फेज वन का डिस्कस कर दिया है, नहीं देखें तो उसका वीडियो देख लीजिए। और एडवांस मैथ का जो पीडीएफ है दोस्तों, मतलब एडवांस मैथ की जो बुक की पीडीएफ है, उसी फेज के थर्ड फेज के सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और अभी तक जो भी पीडीएफ नहीं लिए हैं तो दोस्तों जल्द से जल्द ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है आपका। उसका प्राइस मस्ट 30 रुपीज़ है, आप 30 रुपीज़ पे करके आप ले सकते हैं उसको, ठीक है। उसमें लगभग आपको 1200+ क्वेश्चन है, एडवांस मैथ के सारे क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम में है दोस्तों। क्योंकि देखिए, ट्रिग्नोमेट्री और अल्जेब्रा ये दो तो आपको हिंदी और इंग्लिश उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में इंग्लिश को होना जरूरी है। तो एक दो दिन में आपको मेंसुरेशन और ज्योमेट्री का अलग से हम ज्योमेट्री का बाइलिंगुअल प्रोवाइड कर देंगे। और फिलहाल अभी आप ट्रिग्नोमेट्री अल्जेब्रा का क्वेश्चन बना सकते हैं, अल्जेब्रा का मास्टर वीडियो अवेलेबल है, उसको देख सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन का भी अवेलेबल है, उसको आप देख लीजिए। और ट्रिगो का टॉपिक वाइज 6 टाइप हमने अपलोड कर दिए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। सारा का लिंक आज मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ सब देख लीजिएगा, ठीक है। और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि cos 41/sin 49 प्लस sin 51/cos 39 का वैल्यू कितना होगा, मान कितना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपका टाइप वाइज जो ट्रिगोमेट्री हमने कराया है उसमें देखिए एक टॉपिक था कि cos x/, यदि आपका sin y, यदि x + y = 90 डिग्री हो तो इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। आप देखिए दोनों को जोड़िए, क्या 90 आ रहा, 9 1 10 9 90 90 आ रहा, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस 51/39 90 आएगा तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, आपको 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। अब देखिए हुआ कैसे, ये उसको यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। cos 41 है ना, तो cos 41 को हम कितना लिख सकते हैं, 90 - 49 लिख सकते हैं, बट्टा कितना हो जाएगा आपको, sin 49। तो sin 90 - थीटा क्या होता है, cos 90 - थीटा क्या होता है, आपको sin थीटा होता है। ये कितना हो जाएगा आपको, sin 49 / कितना हो गया आपको, sin 49 हो गया। देखिए कट गया तो कितना हो गया, 1 हो गया। सेम इसमें करेंगे आपको हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि sin x - 3 cos x = √3 cos x हो तो कोट x का मान कितना होगा। अब देखिए इधर भी cos x है, इधर भी है, तो दोनों साइड cos x से भागा दे दीजिए आप। जैसे ही भागा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, sin x / क्या हो जाएगा आपको, cos x हो जाएगा। -3 cos x / कितना हो जाएगा आपको, cos x हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा आपको, √3 cos x / कितना हो जाएगा आपको, cos x हो जाएगा। ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, ये आपका 10 बचेगा। ये हो जाएगा आपको 10x / कितना हो जाएगा आपको, √3 + कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, आपको कॉट एक्स चाहिए ना, तो कॉट एक्स पावर कितना हो जाएगा, 1/3 + √3 हो जाएगा। तो ये यदि परिमेयकरण करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको, 3 - √3 3 3 6, तो 3 - √3 कितना हो गया आपको, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप पर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये 3 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए कि दो फॉर्मूला आपको यूज करना है, यहाँ पे हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखा देते हैं कि cos a + cos b का जो एनालिटिक होता है, ये होता है आपको 2 cos a + b / 2 cos a - b / 2 होता है। इसके बाद आपको sin a - b है यहाँ पे दिया हुआ ना, ये कितना हो जाएगा आपको, 2 sin a - b / 2 cos a + b / 2 होता है। अब क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए cos a - cos b है, तो कितना हो जाएगा आपको ये, 2 cos 3x + x / कितना होगा, 2 हो जाएगा, इंटू cos 3x - x / कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, 2 sin 3x - x / 2, ठीक है, इंटू cos 3x + x / कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये दो तो कट जाएगा आपका। अब देखिए कितना हो गया, 3 1 4/2, 4/2 कितना हो जाएगा आपको, cos 2x हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपको, 3x 1x 2x हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा, 3x में से x घटेगा 2, ये कितना बचेगा आपको, cos x हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखिए कितना होगा, 3 में से 2 घटेगा कितना हो गया, 2,
ये दो दो कट जाएगा आपको, कितना बचेगा आपको साइन, क्या बचेगा यहाँ पे साइन एक्स बचेगा इन टू, ये हो गया 4x, ये हो जाएगा आपको कॉस 2x। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये कॉस एक्स 2x, 2x कट गया, क्या बचा यहाँ पे कॉस एक्स, यहाँ क्या बचा साइन एक्स, बराबर कितना हो जाएगा आपको कॉट एक्स, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा पावर 6 हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का आपका क्या हो गया आपको होल स्क्वायर पावर कितना हो गया 6 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपको टेन स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपको कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपको कॉट थीटा पावर कितना हो गया आपको 36 हो गया। अब देखिए टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा पूछा ही है, तो 2 tan इंटू कॉट कितना होता है 1 होता है, ये हो जाएगा आपको टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 36। अब देखिए क्या पूछा आपको टेन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया आपको कॉट स्क्वायर थीटा पावर 36, तो घटा देखें कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, यही आपको क्या है पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये थीटा का वैल्यू 1/2, तो साइन थीटा का मान कहाँ पे 1/2 होता है 30 डिग्री पर होता है, इसका मतलब कितना हो गया साइन ए माइनस बी बराबर कितना हो गया आपको साइन कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। उसके बाद ए कॉस का मान कहाँ होता है 1/2, ये हो गया कॉस ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा आपको कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे थीटा इक्वल होगा ए माइनस बी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे आपको 30 डिग्री हो जाएगा, और ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा आपको 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे दोनों को सॉल्व कीजिए, दोनों को जोड़ेंगे ये 2 ए बराबर कितना हो जाएगा आपको 90 हो जाएगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा आपको 45 डिग्री हो जाएगा, ए का मान 45 होगा तो यहाँ 30 लाना, तो ए कितना हो जाएगा 15 डिग्री, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 + 10a इंटू 1 + 10b बराबर 2 हो तो 10a + b का मान कितना होगा, तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हो कि 1 + 10a इंटू 1 + क्या आपको 10b बराबर कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ है, दोनों को गुना कीजिए तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, ये 1 को 10b से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10b प्लस ये कितना हो जाएगा आपको 10a हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा आपको 10a इंटू 10b हो जाएगा, 10a इंटू क्या हो जाएगा आपको 10b हो जाएगा बराबर कितना हो गया आपको 2 हो गया। यहाँ पे क्या कीजिए कि 10a प्लस 10b को रख लीजिए बराबर कितना हो जाएगा 2 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 2 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा आपको 10a इंटू 10b हो जाएगा, ठीक है इसको इस साइड भेज दिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपको 10a प्लस कितना हो गया आपको 10b, और ये पूरे किसी से नहीं गुना, किससे गुना है 1 से गुना है, इसको इधर लेते हैं ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 10a इंटू क्या होता है आपको 10b बराबर कितना हो गया 1 हो गया। और ये देखिए क्या होता है कि 10a प्लस बी बराबर होता है आपको 10a प्लस 10b बट 1 माइनस 10a इंटू 10b, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, इसका मतलब 10a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 10 45 - 10 30, तो ये देखिए a माइनस बी 1 + 10a इंटू 10b, तो कितना किसका फॉर्मूला हो जाएगा ये आपको 10a माइनस बी पे फॉर्मूला हो जाएगा, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा आपको 10 कितना हो जाएगा 45 माइनस कितना हो जाएगा आपको 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 10 कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। देखिए 15 डिग्री वैल्यू के लिए क्या बोले थे कि 2 + -√3 को याद रखना है, ये फॉर्मूला क्या है यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ से माइनस वैल्यू को निकाल लीजिए 2 - √3 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यदि हमारा वीडियो 10 15 cos 15 ये सब का वैल्यू नहीं देखे हैं वीडियो तो आप जरूर देख लीजिए, आपको ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आपको क्या हो जाएगा बन जाएगा आपको। हाँ सर, बताइए क्या रेस्पॉन्स मिला? अभी तो लाइन चेक किए हैं, देखते बताते हैं, उसमें मैं देखा था 2 ठो कैंसिल किया था। कैंसिल? हाँ। ओहो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कॉट 3 थीटा इंटू कॉट 6 थीटा बराबर 1 हो तो 10 15 थीटा का मान कितना होगा, ये कॉट कॉट 3 थीटा इसको लिख सकते हैं 1/2 कितना हो जाएगा आपको 10 6 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए,
ये कितना हो जाएगा आपको कॉट थ्री थीटा बराबर कितना हो गया 10, कितना हो गया 6 थीटा हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपको 10, कितना हो गया आपको 6 थीटा, क्योंकि 10 90 माइनस थीटा था कॉट थीटा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू है, ये थीटा क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 90 माइनस 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपको 6 थीटा, तो ये हो जाएगा आपको 9 थीटा बराबर कितना हो गया 90 हो गया, थीटा का मान कितना हो गया आपको 9 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा आपको 10 15 डिग्री, तो 10 कितना हो गया 15 गुना कितना हो गया 10 होगा, यहाँ पे 10 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो 10 कितना हो गया आपको 150 डिग्री हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 90 प्लस 60, तो 10 90 प्लस 60, देखिए कि 10 90 प्लस 60 जो इस क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस कितना हो जाएगा आपको, ये होगा आपको कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है आपको 1/√3 होता है, माइनस 1/√3 होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कॉस एक्स प्लस 1/ कॉस एक्स बराबर 2 हो तो कॉस पावर एन एक्स प्लस 1/ कॉस पावर एन एक्स हो, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा तो कॉस एक्स का वैल्यू आप क्या कीजिए कि आप 1 पुट करके बना लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ये 1 होगा, 1 पे पावर एन प्लस 1 पे पावर एन बराबर कितना हो जाएगा 1, 1 कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए टेन अल्फा बराबर बी, तो कॉस अल्फा का मान कितना होगा। अब देखिए कि क्या है कि टेन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बी बटे ए हो जाएगा, ठीक है कितना हो जाएगा बी बराबर बी बटे ए हो जाएगा, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा आपको बी, एच का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा आपको बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपको ए स्क्वायर, क्या पूछा कि कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा बराबर कितना होता है आपको बी बटे एच होता है, तो बी का वैल्यू कितना हमको यहाँ पे ए है, एच का वैल्यू कितना निकाले हैं बी स्क्वायर प्लस कितना हो गया ए स्क्वायर, तो ए बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर √2 हो तो साइन क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा का मान कितना होगा। अब देखिए ये अलजेब्रा टाइप से बनेगा क्वेश्चन, साइन थीटा कोसेक थीटा को ले सकते हैं 1/ कितना हो गया आपको साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपको √2 हो जाएगा, तो क्या पूछा आपको साइन क्यूब थीटा माइनस 1/ कितना हो जाएगा आपको साइन क्यूब थीटा, तो आपको पता है कि ए क्यूब 1/ ए क्यूब बराबर कितना होता है ए माइनस वन ए का होल क्यूब, अब प्लस कितना होगा 3 a - 1/a होगा, तो ए का जगह आपको साइन थीटा है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया √2 हो गया, यहाँ पे √2 बैठा दीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा आपको √2 का होल क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 3 × √2 हो जाएगा, ये √2 कितना हो गया आपको 2 √2 प्लस कितना हो गया 3 √2, फाइनल कितना हो गया आपको 5 √2, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 0, तो 2 sin θ - 3 cos 2θ का मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आपको सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा है ना, सेक थीटा ये इसको हम कितना लिख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन है कि सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 0, तो 2 sin 2θ - 3 cos 2θ का मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे कि सेक थीटा बराबर कितना हो गया आपको कोसेक थीटा, यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा आपको 45 डिग्री होगा, क्योंकि इसका भी मान 45 डिग्री मान √2, इसका भी 45 डिग्री मान कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 2 sin 90 डिग्री हो जाएगा, 2 sin कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस 3 cos कितना हो जाएगा आपको 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 2 × sin 1 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है माइनस कितना हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री मान कितना होता है आपको 0 होता है, ये 2 में से 0 घटा देंगे आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 11 sin² θ प्लस 12 cos² θ का न्यूनतम वैल्यू कितना होगा, 11 हो जाएगा। इस दोनों में से देखिए इससे होता है कि ए sin² θ प्लस बी cos² θ मिनिमम, मिनिमम ए होगा कब जब ए ग्रेटर लेस देन बी होगा, मैक्सिमम ए होगा कब जब ए ग्रेटर देन बी होगा, इस टाइप से आप बना सकते हैं, जिसमें से जो बड़ा जैसे मैक्सिमम पूछेगा तो 12 हो जाएगा, मिनिमम पूछेगा 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम का वीडियो हमने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ, नहीं देखें तो वहाँ पर आप देख सकते हैं जाके, सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा वहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए,
15 माइनस साइन 75, कॉस 15 प्लस साइन 75, तो कॉस 15 को हम कितना लिख सकते हैं, साइन 75 इसको हम लिख सकते हैं। माइनस कितना हो गया आपको, साइन कितना हो गया आपको 75, और नीचे कुछ भी डाटा हो तो ये ऊपर में कितना हो गया आपको 0 हो गया। 0 किसी संख्या से भगा देंगे क्या हो जाएगा आपको, 0 हो जाएगा। अब देखिए आया कैसे ये, कॉस 75 को हम कॉस 15 को कितना लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 15 लिख सकते हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपको, साइन थीटा, ठीक है 75 होगा, तो साइन कितना हो जाएगा आपको 75 हो जाएगा दोस्तों। तो 75 में से 75 साइन 75 साइन 75 कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 0, और 0 नीचे कुछ भी होगा तो भागा देंगे क्या जाएगा आपको, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए कोसाइन रूल पे क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। त्रिभुज एबीसी में ए बी कॉस सी माइनस कॉस सी बी, त्रिभुज एबीसी दिया, यदि त्रिभुज एबीसी न हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बी कॉस सी, तो देखिए क्या होता है इसमें कि कॉस ए बराबर किसी त्रिभुज में यदि आपका कोसाइन रूल होगा, ठीक है ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो कॉस ए पूछ रहा है ना, तो कॉस ए का अगल बगल का जो भी भुजा होगा उसको बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, अब बट्टा कितना होता है 2bc होता है। कॉस बी पूछा जाएगा दोस्तों, तो बी है ना, तो कौन कौन नहीं है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बट्टा कितना हो जाएगा आपको 2ac हो जाएगा। यदि कॉस सी पूछा जाता है तो कॉस सी बराबर होता है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अब बट्टा कितना हो गया 2ap होता है, ठीक है ये आपको कोसाइन रूल का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ए हो गया, ए तो दोनों के साथ गुना है ना, तो कॉस सी बराबर लिखना है, तो कॉस सी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो कॉस सी बराबर कितना हो जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस सी स्क्वायर, बढ़ता कितना हो जाएगा आपको 2ab हो जाएगा, ठीक है ये हो गया माइनस माइनस। यहाँ पे देखिए क्या है आपको सी है, तो अब देखिए यहाँ पे कॉस बी लिखना है ना, तो कॉस बी बराबर कितना हो जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, बढ़ता कितना हो जाएगा आपको 2ac हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या है कि ए को सबसे गुना है, तो ए बी यहाँ से भी कट जाएगा, तो ए इसके साथ भी गुना होता है, ए बी आपका क्या हो जाएगा आपको कट जाएगा, यहाँ भी क्या बचा दो, यहाँ भी बचा दो, ये कितना होगा आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बटे कितना हो गया 2 हो गया, माइनस क्या बचा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बटे क्या बचा 2 बचा। अब यहाँ से क्या कीजिए, 2 एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम ले लेंगे क्या बचेगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपको बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि ए स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो अब देखिए बी स्क्वायर क्या है 2 को है, ये हो गया 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बटे कितना हो गया 2 हो गया, 2 ऊपर में कॉमन ले लीजिए क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचेगा, ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि टेन ए बटे 1 प्लस सेक ए प्लस 1 प्लस सेक ए बटे टेन ए का मान कितना होगा। देखिए इसको प्रूफ कर देते हैं, ऐसे तो इसका मान आपको डायरेक्ट याद रखते हैं, याद रख सकते हैं कोसेक ए होता है इसका, ठीक है टेन ए बटे टेन को क्या लिख सकते हैं साइन ए बटे कोस ए, ठीक है बटे 1 सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कोस ए प्लस 1 प्लस 1 बटे कॉस ए, अब बट्टे कितना हो जाएगा टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बट्टे कॉस ए, इसको सॉल्व कीजिए ये कितना हो जाएगा आपको साइन ए बट्टे कॉस ए, नीचे कितना हो जाएगा आपको कॉस ए प्लस 1 बट्टे कितना हो जाएगा आपको कॉस ए हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा आपको कॉस ए प्लस 1, अब बट्टे कितना हो जाएगा आपको साइन ए बट्टे कितना हो जाएगा आपको कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कॉस ए कट जाएगा, ठीक है यहाँ पे आपका लगता कुछ छूट गया, यहाँ पे कॉस ए है ना कॉस ए 1 कॉस ए यहाँ पे छूट गया आपको कॉस ए छूट गया 1 बटे कॉस ए, ये भी आपका कट जाएगा, तो फाइनली आपका क्या बचेगा साइन ए बटे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस 1 बटे कितना हो गया आपको साइन ए, ठीक है क्या बचा आपको यहाँ पे साइन ए हो गया। तो चलिए यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, तो साइन ए से भागा दीजिएगा, साइन ए से यदि हम कॉस देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस साइन तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा, ठीक है तो ये हो जाएगा आपको 1 प्लस
कॉस ए इंटू वन प्लस कॉस ए हो जाएगा। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ए हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फाइनली क्या हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर ए प्लस वन प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए बटा कितना हो जाएगा आपको साइन ए इंटू वन प्लस क्या हो जाएगा आपको कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, तो यह देखिए आपका यहाँ पे ये कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, तो वन वन कितना हो जाएगा आपको टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू प्लस कितना हो जाएगा कॉस ए, अब बट्टे कितना हो जाएगा आपको नीचे हो जाएगा आपको कितना साइन इंटू वन प्लस कॉस ए है ना, साइन इंटू वन प्लस कॉस ए हो जाएगा। ऊपर में दो कॉमन ले क्या बचेगा वन प्लस कॉस ए बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा आपको साइन इंटू वन प्लस कॉस ए होगा, ये काट दीजिए वन बट्टे कितना हो जाएगा आपको टू साइन ए, फाइनली कितना हो जाएगा आपको टू कोसेक ए हो जाएगा। तो आप इस टाइप का जो भी है, तो यदि इसको याद रखते हैं इसका जो डेरिवेशन होता है ये प्रूव किया गया है इतना बराबर आपको होता है टू कोसेक ए, याद रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, डायरेक्ट आपको क्या है क्या प्रूव किया गया पूछा आपको कितना होगा, तो पाँच छः को आपको डाटा ऐसा है कि पाँच छः क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको प्रूव किया हुआ देगा आपको, तो उसको यदि याद रखते हैं दो चार बार बनाएंगे तो ऑटोमेटिक याद रहेगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कोस 37 डिग्री सेक 143 डिग्री प्लस साइन 34 कोसेक 146 डिग्री का मान कितना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस 37 डिग्री और सेक 143 को लिख सकते हैं वन बट्टे कोस 143, ये कितना हो गया कोस 143 डिग्री प्लस ये कितना आपको साइन 34 डिग्री हो गया, साइन 34 डिग्री अब बट्टे ये कितना हो जाएगा कोसेक 140 है, ये कितना लिख सकते हैं उसको साइन वन बट्टे साइन 140 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए ऊपर में कितना आपको कॉस कितना आपको 37 डिग्री, नीचे हम लिख सकते हैं इसको कॉस 180 माइनस 37। ठीक है, और आगे देखिए क्या है कि साइन 34 साइन 180 माइनस इसको 34 लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या है कि आपको 180 जो इस ये वाला है, अब देखिए कॉस जो होता है कॉस इसमें पॉजिटिव होता है, ये हो गया कॉस 37 डिग्री, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किस में आएगा दोस्तों, इसमें आएगा, इसमें सारा नेगेटिव होता है मतलब कॉस नेगेटिव हो जाएगा तो चेंज नहीं होगा, तो कॉस का कॉस रहेगा, ये कितना हो जाएगा कॉस कितना हो जाएगा आपको 37 डिग्री प्लस साइन कितना हो जाएगा आपको 34 डिग्री हो जाएगा। इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, साइन है साइन पॉजिटिव हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको साइन 34 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए कितना होगा माइनस वन प्लस वन बराबर कितना हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए साइन इनवर्स वन बटे रूट टू का मान कितना होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स फंक्शन का जो मैंने एक वीडियो डाला है सुबह ही डाला था, नहीं देखे तो देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इससे पूछा जाता है एग्जाम में, तो नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन नहीं छूटे। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा आपको कि साइन इनवर्स वन बाय रूट टू पूछा है ना, यहाँ पे वाई बराबर मान लीजिए आप साइन इनवर्स वन बटे रूट टू, ठीक है y बराबर वन बटे कितना हो जाएगा आपको साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा वन बटे रूट टू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको साइन y बराबर कितना हो जाएगा आपको वन बटे रूट टू हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा साइन y, तो साइन वन बटे रूट टू का मान कितना होता है साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री हम लिख कितना लिख सकते हैं साइन पाई बाय फोर लिख सकते हैं, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा आपको पाई बाय फोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कॉस सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का मान कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या है आपको कॉस एक्स का वैल्यू वन मान लीजिए सेक इनवर्स वन, ठीक है प्लस कोसेक इनवर्स वन, ठीक है इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है तो सेक इनवर्स वन तो वन का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा आपको ये हो जाएगा कॉस sec इनवर्स sec 0 डिग्री प्लस cosec इनवर्स cosec कितना हो जाएगा आपको 90 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा आपको क्योंकि sec इनवर्स cosec 0 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा, अब प्लस ये कितना हो जाएगा आपको 90 हो जाएगा, ठीक है तो फाइनली कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कॉस 2 थीटा पावर 1 बटे 2 है तो साइन 75 माइनस थीटा का मान कितना होगा। तो आप देखिए कि कॉस 2 थीटा है ना, तो कॉस थीटा का मान, कॉस 2 थीटा का मान कितना हाफ होता है, तो कॉस कितना होगा आपको 60 डिग्री, 2 थीटा पावर कितना हो गया 60 डिग्री, थीटा का मान कितना हो जाएगा आपको 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको क्या है कि साइन 75 माइनस 30 कितना हो जाएगा आपको साइन 45 डिग्री हो जाएगा, तो 1/√2 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए √2 sin 5x - 5 डिग्री, टेन 45 डिग्री हो तो एक्स का मान कितना होगा। अब देखिए क्या है कि √sin 5x - क्या आपको 5 डिग्री है बराबर टेन 45 का मान कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि sin 5x - 5 ये डिग्री है दोस्तों बराबर कितना हो गया 1/√2 हो गया। अब बताइए कि ये कितना हो जाएगा आपको साइन 45 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए 5x 45 दोनों बराबर हो जाएगा, 5x - 5 बराबर कितना हो गया 45 हो गया, 5x बराबर कितना हो गया 50, x का मान कितना हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, 10 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए cot A + B × cot A - B बराबर 1 हो तो cot 2A/3 का मान कितना होगा। अब देखिए cot कितना पे 1 होता है क्योंकि दोनों cot है, तो दोनों कॉट का मान कितना डिग्री पे होगा आपको 90 डिग्री पे होगा, मतलब A+B जो होगा A+B + A - B बराबर कितना होना चाहिए आपको 90 डिग्री होना चाहिए, कितना होना चाहिए 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब A का मान कितना हो जाएगा आपको 45 डिग्री हो जाएगा, A का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे पुट कर दीजिए कॉट 45 डिग्री 90/√2 कितना हो गया 3, ये कितना हो जाएगा आपको cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री का मान कितना होता है आपको √3 होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या है कि cos x = -3/5, x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो sin x का मान कितना होगा। तो आप देखिए क्या दिया वहाँ पे cos x = कितना दिया -3/5 दिया है, तो sin x = कितना हो जाएगा √1 - cos²x होता है, ये कितना हो जाएगा 1 - 3 आपका है -3/5 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 25 × 3 = 9, 16/ कितना हो जाएगा 25√2 कितना हो गया प्लस माइनस कितना हो गया आपको 4/5 हो गया, ठीक है कितना हो गया √2 प्लस माइनस 4/5 हो गया। तो sin x का वैल्यू कितना होगा, तो sin x का जो वैल्यू होगा 3, 4, 5 होगा, तो ये क्या हो गया आपको sin x का वैल्यू प्लस माइनस 4 है, क्या आपको तृतीय मतलब ये हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा तो मतलब कितना होगा -4/ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऑप्शनल नंबर क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित को हल करना है sin cos−3/5, अब देखिए क्या है कि cos−3/5 को थीटा मान लीजिए, ठीक है तो cos θ बराबर कितना हो जाएगा आपको 3/5 हो जाएगा, 3/ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा एच, ठीक है और पी का मान कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या आपको tan इनवर्स कितना 5/12 थीटा मान लीजिए, तो tan θ बराबर कितना हो जाएगा आपको 5/ कितना हो गया 12 हो गया, ये क्या हो गया आपको ये हो गया पी, ये हो गया बी, एच का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा ट्रिपलेट नंबर से, ठीक है। तो इतना का मान कितना माने थीटा माने हैं, ये कितना हो जाएगा आपको sin θ, ये पूरा का पूरा क्या माने थीटा माने हैं, ये कितना हो जाएगा आपको cos θ हो जाएगा, तो sin θ बराबर कितना होता है p/h होता है, तो पी का मान 4, 4/ कितना हो गया 5 हो गया, प्लस cos θ, तो cos θ बराबर कितना होता है b/h आपका क्या होता है आपको h होता है कि दूसरे वाले से है, ये कितना हो जाएगा आपको b, b का मान कितना 12, 12/ कितना होगा आपको 13 हो गया, एलसीएम कितना आएगा 13 × 65 हो गया, 13 × 4 कितना हो गया 52 हो गया, ठीक है ये 5 बार में लगेगा 13 × 4 = 52 हो गया, 12 × 5 कितना हो गया आपको 60 हो गया, तो कितना हो गया 2, 6, 5, 11 112 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए tan θ/b/a है, इतना का मान कितना होगा, तो tan θ ये क्या हो जाएगा आपको cos θ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपको sin θ हो जाएगा, तो यहाँ cos θ का वैल्यू कितना आपको a है, तो ये कितना हो जाएगा आपको a² ये हो जाएगा b² और बटा कितना हो जाएगा a² - b² a² + b² ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको a हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए sin−1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो।
अगला क्वेश्चन क्या है कि 26 नंबर साइन इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, इसका भी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन हमने करवा दिया था, आंसर कितना आया था 5/4 आया था, इसका आंसर कितना हो जाएगा 4D हो जाएगा, देख लीजिए पीछे जाके। अगला क्वेश्चन देखिए 1/75 का मान कितना होगा, ठीक है तो सबसे पहले देखिए क्या है कि 1 + 10 = 75, 1 - 10 = 75 है, तो 10 = 75 डिग्री का मान कितना होता है आपको 2 + √3 होता है, याद रखिएगा। देखिए 10 के रिलेशन में जो भी होगा तो 10 + -√3 होता है, क्योंकि 10 का फॉर्मूला यदि 75 लाना होगा तो कितना लाना होगा 45 + 30 लाना होगा, मतलब प्लस है तो प्लस वाला वैल्यू हो जाएगा, तो 1 + कितना हो जाएगा आपको 2 + कितना होगा √3 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा 1 - 2 + कितना हो जाएगा आपको √3 हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, ऊपर में कितना हो जाएगा आपको 3 + कितना हो जाएगा आपको √3 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा आपको माइनस, यदि दोनों के साथ गुना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा आपको -1 - कितना हो जाएगा आपको √3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप माइनस यदि यहाँ पे नीचे कॉमन ले लेते हैं क्या बचेगा 3 + √3 और नीचे हो जाएगा आपको √3, ठीक है √3 माइनस कॉमन लेते हैं +1 हो जाएगा, अपने ऊपर नीचे परिमेयकरण कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपको ये हो जाएगा आपको 3√3 और ऊपर में गुना करेंगे कितना होगा √3 - 1 और नीचे कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आपको 3 को √3 से गुना करेंगे कितना हो गया 3√3 हो गया, ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, √3 कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, √3 कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा आपको √3 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 2 हो जाएगा, ये 3 तो कट गया, 3√3 में से √3 घटेगा कितना बचेगा 2√3 -2√3/2 हो गया, 2 कट गया कितना बचा -√3 बचेगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि √3 tan·θ − 3/0 तो थीटा का मान कितना होगा दोस्तों, इसका आंसर आपको क्या करना है कि कमेंट में बताना है इसका आंसर कितना होगा, ठीक है लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर कमेंट में बताइए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, मिलते हम अगले वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।